गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की संरचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो मेनी मेथड बाई विच अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इजी पिंकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि हम ऐसी कई विधियों के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे बिनना, छानना, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन दिस मेथड, यानी कि इस विधि में है ना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। सब्सटेंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड मिक्सर, यानी कि ऐसे पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जिनके अवयव किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं मिश्रण कहलाते हैं। आर सब्सटेंस आर हाउ एवर नॉट मिक्सर, यानी कि सभी सब्सटेंस मिक्सर नहीं होते। देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों के अलग अलग संरचना। मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाई अनदर मेथड टू, यानी कि मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों को एक अन्य विधि से भी पहचाना जाता है। इट इज़ बाय द चेंज इन द स्टेट ऑन हीटिंग, ठीक है, और वह है गर्म करने पर उनका अवस्था परिवर्तन। प्योर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, वेयर एज दिस टेम्परेचर फॉर मिक्सर इज नॉट फिक्स। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पदार्थों में अवस्था परिवर्तन का निश्चित ताप पर होता है, यानी कि शुद्ध पदार्थ की जो अवस्था है ना, उसका परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता है। आगे देखते हैं। द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट इन द मिक्सर, ठीक है, यह उनमें उपस्थित अवयवों के अनुपात पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है, एलिमेंट्स मतलब तत्व और कंपाउंड्स मतलब कि यौगिक। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज अ कंपाउंड, यानी कि यौगिक क्या है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मिक्सर, यानी कि ये मिश्रण से कैसे भिन्न है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटीज, ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। एक्टिविटी फर्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर, कॉपर सल्फेट, पिन एंड वाटर, ठीक है, ये सभी क्या हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं। टेक वाटर इन अ बीकर एंड मेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि एक बीकर में पानी लेकर कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करें, ठीक है। पुट 4 to 5 पिन इन दिस सॉल्यूशन एंड लेट इट रिमेन अनडिस्टर्बेड फॉर एन आवर्स। देखिए बोला जा रहा है कि इस विलयन में लोहे के 4 से 5 आल्पिने डाल दें तथा विलयन को 1 घंटे के लिए है ना अनडिस्टर्बेड यानी कि स्थिर छोड़ दें। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नोट एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द पिन, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आल्पिन के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। आगे क्वेश्चन है, डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो चेंज, है ना, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या विलयन का भी रंग बदल जाता है। आगे देखते हैं। द चेंज इन द कलर ऑफ पिन इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ आल्पिन का रंग परिवर्तन कॉपर सल्फेट में पाए जाने वाले कॉपर के आल्पिनों पर एकत्रित हो जाने के कारण होता है, ठीक है, यानी कि आल्पिन का रंग परिवर्तन कॉपर सल्फेट में पाए जाने वाले कॉपर के आल्पिन पर एकत्र हो जाने के कारण होता है।
चलिए आगे देखते हैं. कॉपर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय फिजिकल मेथड, यानी कि कॉपर को, ठीक है, कॉपर सल्फेट से हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते थे. आगे देखते हैं. बाय पुटिंग आयरन इज कॉपर सल्फेट वी गेट अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, लोहा डालकर कॉपर एक निश्चित मात्रा में ही प्राप्त किया जा सकता है. ब्रैकेट के अंदर दिया है बच्चों, 164 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल ऑलवेज हैव 64 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी कि 160 ग्राम, है ना, जो 164 ग्राम कॉपर सल्फेट है ना, उससे हमेशा 64 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है. ठीक है, समझ में आया. यहाँ पर बताया गया है कि कॉपर सल्फेट के 164 ग्राम में हमेशा 64 ग्राम कॉपर पाया जाता है. चलिए आगे देखते हैं. दिस मीन्स कॉपर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इट प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट, यानी कि अर्थात जो कॉपर है ना, वो कॉपर सल्फेट का एक अवयव है जो उसमें एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है. चलिए आगे देखते हैं. वेयर एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर आर नॉट इन अ फिक्स रेशियो, ठीक है, जबकि मिश्रण में अवयवों का अनुपात निश्चित नहीं होता. चलिए आगे देखते हैं. द कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ आर वाटर, साल्ट, सुगर एक्सेट्रा. वेयर इज द टाइप एंड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर आर गिवन इन टेबल 3.1, यानी कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले यौगिक पानी, नमक, शक्कर इत्यादि हैं, जबकि मिश्रण के विभिन्न प्रकार एवं उदाहरण सारणी 3.1 में दिए गए हैं. चलिए आगे देखते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पर 3.1 दिया गया है, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, टाइप ऑफ मिक्सर यानी कि मिश्रण के प्रकार, एग्जाम्पल उदाहरण. चलिए फर्स्ट देखते हैं. गैस इन गैस, ठीक है, यानी कि गैस में गैस का मिश्रण, ठीक है. एग्जाम्पल दिया है एयर यानी कि वायु. ठीक है बच्चों, गैस में गैस जब मिक्सर होता है यानी कि मिश्रण होता है ना, तो उसका उदाहरण है वायु. नेक्स्ट में है गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस में द्रव का मिश्रण. एग्जाम्पल दिया है सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है, यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नॉर्मल वाटर, यानी कि साधारण जल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. चलिए थर्ड देखते हैं. लिक्विड इन लिक्विड यानी कि द्रव में द्रव, ठीक है, ये कैसा मिश्रण है, द्रव में द्रव. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, लेमन जूस एंड वाटर, ठीक है, यानी कि नींबू का रस तथा पानी, ठीक है. चलिए फोर्थ देखते हैं. सॉलिड इन लिक्विड यानी कि द्रव में ठोस, ठीक है बच्चों, जब ठोस और द्रव में, है ना, मिक्स होता है यानी कि मिश्रण होता है, इसका एग्जाम्पल है सी वाटर सुगर सॉल्यूशन, यानी कि समुद्री जल और शक्कर का विलयन. चलिए फाइव देखते हैं. सॉलिड इन सॉलिड यानी कि ठोस में ठोस का मिश्रण, ठीक है, ये मिश्रण कैसा है, ठोस में ठोस, यानी कि ठोस में ठोस मिश्रण है. आगे देखते हैं. एलॉयस ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज यानी कि मिश्र धातु जैसे पीतल और कांसा. सिक्स में देखते हैं. सॉलिड इन गैस यानी कि गैस में ठोस, ठीक है, जब मिश्रण होता है तब इसका एग्जाम्पल है धुआं. ठीक है बच्चों, समझ में आया. देखिए यहाँ पर जो थर्ड दिया है ना, लिक्विड इन लिक्विड यानी कि जब द्रव में द्रव, है ना, मिक्स होता है, मिश्रण होता है, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताया गया है नींबू का रस तथा पानी. ठीक है बच्चों, नींबू का रस भी क्या है, लिक्विड है, और पानी भी क्या है, लिक्विड है, तो इसीलिए मिश्रण के प्रकार में लिया है, लिखा है लिक्विड इन लिक्विड यानी कि द्रव में द्रव. ठीक है, ये कैसा मिश्रण है, द्रव में द्रव का मिश्रण है. चलिए आगे देखते हैं. द अदर टाइप ऑफ प्योर सस्पेंस आर दोज विच हैव ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और जो दूसरे टाइप के प्योर सब्सटेंस है यानी कि दूसरे प्रकार के जो शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट, है ना, ये तत्व कहलाते हैं. कॉपर सेपरेटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट इन एक्टिविटी फर्स्ट इज एन एलिमेंट, ठीक है, यानी कि क्रियाकलाप एक में कॉपर सल्फेट से प्राप्त जो कॉपर है ना, वह क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि वह एक तत्व है. ठीक है बच्चों, समझ में आया, जो कॉपर है
वह एक तत्व है। आगे लिखा है नो मोर कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एन एलिमेंट बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। सम अदर एलिमेंट आर गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि तत्वों से अधिक अवयव किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य तत्व हैं सोना, लोहा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ठीक है, समझ में आया? यानी कि तत्व से है ना अधिक अवयव हम लोगों को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब हम लोग तत्व से अवयव है ना प्राप्त करना चाहेंगे तो हम लोग को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा है ना यानी कि अधिक अवयव प्राप्त नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। टिल दैट मोर देन 114 एलिमेंट हैव बीन फाउंड, यानी कि अब तक 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। आउट ऑफ दिस 92 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड द रेस्ट हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं तथा शेष वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी एलिमेंट्स हैज इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं। दिस प्रॉपर्टीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि ये गुण तत्व की पहचान करने में सहायक होते हैं। एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि तत्व होते हैं वो ऑल स्टेट्स यानी कि तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कंप्लीट टेबल 3.2 बाई फिलिंग सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3.2 टेबल है ना यानी कि जो सारणी 3.2 है उसमें सामान्यतः पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के कुछ और उदाहरण लिखकर पूरा करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यही आप लोगों का होमवर्क है। यहाँ पर दिया गया है एलिमेंट्स दैट आर सॉलिड यानी कि ठोस तत्व, एलिमेंट दैट आर लिक्विड यानी कि द्रव तत्व, और एलिमेंट दैट आर गैसेस है ना, और गैसीय तत्व। ठीक है बच्चों, यानी कि जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो भर दिए गए हैं, जैसे सिल्वर है ना, ये एक एलिमेंट्स है यानी कि तत्व है जो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड यानी कि ठोस रूप में है ना, इसीलिए वहाँ यहाँ पर सॉलिड के जगह पर रखा गया है। जो ब्रोमाइन और मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मतलब पारा है ना, ये भी तत्व हैं लेकिन ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड यानी कि द्रव्य तत्व है। ठीक है, द्रव्य फॉर्म में रहते हैं इसलिए इनको द्रव की जगह पर रखा गया है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एलिमेंट दैट आर गैस यानी कि जो गैस हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेट में पाए जाते हैं यानी कि अलग अलग फॉर्म में पाए जाने वाले तत्वों को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है और लिख करके जरूर भेजना है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका होमवर्क है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।